अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अली चाहत और अली चाहत की तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार और सलाम। आज हम जा रहे हैं बहरीन एच बिल्डिंग और पंखा वाला बिल्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और एवेन्यू मॉल भी हम जा रहे हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं। अभी हम रास्ते में, तो सबसे पहले जाके कुछ खाएंगे, फिर आपको अपना मंजिल की तरफ लेके चलते हैं, तो जुड़े रहें। तो ये हम पहुंच गए अभी शोरमा का, बस टेस्ट कर रहे हैं। ये आ गया हमारा शोरमा, देखे मजे का है कि नहीं। कैसा है? जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ से मनामा से हम जा रहे हैं एवेन्यू मॉल नदीम भाई के साथ। शोरमा वगैरह हमने खाया, क्यों नदीम भाई? बहुत मज़ा है, बहुत मज़े का था। यहाँ से अभी हम जाएंगे सीधा एवेन्यू मॉल, बस में जाएंगे हम यहाँ से। तो देखते हैं बस कहाँ पर है। बस स्टॉप्स है यहाँ पर, आपको बस वगैरह मिल जाता है। तो ये अभी हम जा रहे हैं, बस का नंबर देखेंगे कि कौन सा बस एवेन्यू मॉल जाता है, वहाँ बैठ के हमने अभी चले जाना है। तो ये हम बस में बैठ चुके हैं, देखें, और बस में से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़र आ रहा है, पुरमा सुकून। तो भाई लोग, हम मनामा से आगे इंटर हुआ है, बस से अभी उतरा है। तो अभी हम जा रहे हैं जिधर हमने जाना है, बस वही जगह पे अभी हम जाके आप लोगों से मिलते हैं। ये देख सकते हैं कैसा व्यू है। ये देखें पंखे वाली जो है बिल्डिंग, कहते हैं इसे, यहाँ पर मशहूर है यही ना नदीम भाई, क्या कहते हैं, पंखे वाली बिल्डिंग। सामने एच बिल्डिंग है और वो सामने एच बिल्डिंग। एच बिल्डिंग यहाँ पर बहुत मशहूर है। देखें व्यू, देखें भाई साहब साइकिल चला रहे हैं, बस भी आ गई। ये बिल्डिंग का नज़ारा देखें आप, कितना प्यारा है। मस्जिद, तो अपने मंजिल की तरफ हम जाते हुए नदीम भाई के साथ। नदीम भाई को कुछ तो सुना दे यार, व्यूअर्स को कुछ तो सुना दे। क्या सुनाएं, इस एरिया को क्या कहते हैं? ये मनामा का ही एरिया है, एवेन्यू मॉल की तरह। अच्छा, मनामा का मेन यानी एरिया है। मनामा का मेन एरिया है। मनामा यहाँ का कैपिटल सिटी है ना? यस। अच्छा अच्छा, मनामा यहाँ का जो है कैपिटल सिटी है, यानी कि दारुल हुकूमत है यहाँ पे, सारा सिस्टम बहरीन का यहाँ से चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं, घूमे रहे हैं, देखें, गरीब लोग हैं, पैदल ही चल रहे हैं, बस में सफ़र करते हुए, धक्के खाते हुए अभी अपने मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। तो मंजिल की तरफ हम पहुंचने ही वाले हैं, अंदर बड़ा माहौल है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अंदर का माहौल, अंदरूनी माहौल। ओ, यहाँ पे वो कज़न बुराक जो तुर्की का जो शेफ़ है, फेमस शेफ, उसका रेस्टोरेंट भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये देखें वो एक कज़न बुराक रेस्टोरेंट, यहाँ पी एफ चंक्स रेस्टोरेंट भी हमें देखने को मिला, जो पाकिस्तान में भी उनकी ब्रांचेस है, यहाँ भी उनकी जो है ब्रांच है। तो देखें, तो हम जिधर हम अपने लोकेशन पे आया था वहाँ पहुँच गए हैं, एवेन्यू मॉल गेट नंबर 2 से ही अंदर घुस जाता है। गेट नंबर 1-2 एवेन्यू मॉल के अंदर हम आ गए हैं। तो एवेन्यू मॉल टैक्सीज भी है ना, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की जो है वो जिधर पाकिस्तान में उनकी ब्रांच है, यहाँ पे भी इनको। बहुत ही प्यारी जगह था अंदर।
हाँ, तो हमारा काम हो गया, जिधर हम जिस काम के लिए आए थे वो हो गए। अभी थोड़ा घूम फिर देंगे, आपको अंदर के एरिया दिखाएंगे, सीधा जाएंगे हमने दूसरी जगह, वो जगह भी आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। देख सकते हैं, ये देखें, ये बाहर का एरिया है। वैसे व्यूवर्स को दिखाने के लिए हम आए थे। अब चल रही है, अभी हम जाएंगे दूसरे लोकेशन पे। ये बहरेन में ग्रीन एवेन्यू मॉल है, मॉल का जो अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी जगह जो है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, देखें छत को किस तरीके से जो है डिज़ाइन की हुई है। वाओ माशाल्लाह, देखें किस तरह से सजाया हुआ है, ऊपर लाइट, और देखें ट्रीज पे भी लाइट वगैरह लगाई हुई है, सेंटर में भी शॉप्स छोटे छोटे परफ्यूमों वाली, तो बहुत ही मज़े का व्यू है यार, और किस तरह सजाया हुआ है देखें, कसम से मज़ा आ गया। तो अंदर हम पूरे फिर गए हैं, अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, देखें कैसा खूबसूरत यहाँ से जो है व्यू नज़र आ रहा है बिल्डिंग्स की। वाओ, परफेक्ट। राइडर्स, राइडर्स हर माल हर जगह भेजा, लेकिन बेचारों की गर्मियों में बहुत बुरी हालत हो जाती है। हाँ, गर्मियों में राइडर्स की बुरा हाल होता है, लेकिन सर्दियों में 6 महीने उनके लिए यहाँ पे इजी है। लेकिन अभी हम एवेन्यू के अंदर गया सर, आपको कैसा लगा अंदर का हिस्सा? जबरदस्त है, उम्मीद है कि मुझे जॉब भी यहाँ मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारे शेफ को, जो अंदर हम गए थे अभी इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि इंटरव्यू में पास हो जाए। बाकी अंदर का हिस्सा बहुत मज़े का था, आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में, तो काफ़ी मिलते हैं अंदर। बहरेन कंट्री मज़े का कंट्री है, आप लोग भी ज़रूर आए यहाँ पर ट्राई करें, विज़िट वीज़े पे आके जो है आप लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विज़िट वीज़े के लिए आप लोग जो है बहरेन अगर आना चाहते हैं एम्बेसी में जाएँ, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लें, इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर आप लोग ईजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, हर फैसिलिटीज़ है, तो देख सकते हैं प्यारा भी है। तो आज मैं आप लोगों को पंखा वाला बिल्डिंग दिखाता हूँ, मनामा का मशहूर यहाँ बिल्डिंग है, ये देखो। पंखा चल रहा है, तो ये हम दोबारा मनामा वाली साइड पे पहुँचे। वेल रेस्टोरेंट भी है यार, आइसक्रीम वाला है मेरे ख्याल से, ये यहाँ आइसक्रीम्स मिलता है। वाली बिल्डिंग याद रखना, ये मस्जिद मेरे ख्याल से मस्जिद है ना, कितना प्यारा लग रहा है यार देखो। और ये देखें एच बिल्डिंग, ये यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा होटल है, बहरेन इंटिल होटल, ये मनामा वाली साइड। तो अभी हमें भूख लगा था, इधर हम पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स पे आया है जी, यहाँ से कुछ खाएंगे। ये पाया, बीफ पाया, अभी इसको खा के इसका टेस्ट चेक करेंगे, फिर आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, खुदा हाफिज़, आज का वीडियो इधर ही ख़त्म हुआ जाता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, बाय।